एक तरफ राज्य में विधानसभा उपचुनाव की सरगर्मी काफ़ी तेज़ है और ममता बनर्जी की सीएम की कुर्सी का दारोमदार भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव की जीत पर टिकी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने ममता सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। दरअसल आज वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की बंगाल शाखा ने एक संवाददाता सम्मेलन कर ममता सरकार के नीतियों की आलोचना की। उन्होंने रोजगार के अवसर को पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए रोकने का भी आरोप लगाया। इसके अलावा पार्टी की मांग थी कि उत्तर बंगाल में एम्स के जैसा एक अस्पताल बनाया जाए जिससे लोगों को बेहतर मेडिकल सुविधाएं मिल सके। तो वहीं तीनों नए कृषि कानूनों के खिलाफ ममता बनर्जी के स्टैंड की सराहना की। साथ ही वेलफेयर पार्टी की मांग थी कि ममता बनर्जी अपने चुनावी वादों को पूरा करें जो उन्होंने माइनॉरिटीज़ के लिए किया था। आपको बता दें कि संवाददाता सम्मेलन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर SQR इलियास, वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर रईसुद्दीन, राष्ट्रीय महासचिव सीमा मोहसिन, पश्चिम बंगाल अध्यक्ष मनासा सेन, पश्चिम बंगाल महासचिव सरवर हसन व अन्य उपस्थित थे। सैलाब पैदा गया और खासतौर से पूर्वा और पश्चिम वर्धमान में, हुगली में, मिद्नापुर में, हावड़ा साउथ चौबीस में और बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में, उसकी वजह से लाइफ और प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। उसमें इरोजन हुआ, लोगों को डिस्प्लेसमेंट हुआ। हमारा कहना ये कि स्टेट गवर्नमेंट को आगे बढ़कर इनको कंपनसेट करना चाहिए, जो लोग डिस्प्लेस हो गए, जिनकी प्रॉपर्टी का लॉस हो गया, जिनको जानी नुकसान हुआ, उनको कंपनसेट करना चाहिए, रिलीफ देना चाहिए और उनको रीहैबिलिटेट करना चाहिए। जिन लोगों का डिस्प्लेसमेंट हो गया, जिनके मकान टूट गए, जिनको अपनी जगह छोड़नी पड़ी, उनको जो है वो रीहैबिलिटेट करने के लिए बड़े तादाद में गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए। इसी तरह हम ये कहते हैं कि बंगाल है, वेस्ट बंगाल एक एग्रीगेटिंग स्टेट है, यहाँ पर बहुत बड़े लोग, बहुत तादाद में लोग हैं, फार्म लेबरर हैं, फार्मर्स हैं। तो इस वक्त हमारे देश में फार्मर्स की जो हालत है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ बंगाल ने रेजोल्यूशन मंजूर किया है असेंबली में कि ये जो 3 farm laws देश ने मंजूर किए हैं वो गलत थे, वो फार्मर्स को फार्मर्स के लिए बगैर किए गए हैं और वो एंटी फार्मर लॉ। और यही वजह कि आप जानते हैं कि दिल्ली के बॉर्डर पर पिछले 10 महीने से फार्मर्स इंपेशन कर रहे हैं लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट सुनवाई नहीं कर रही। लेकिन क्या यहाँ बंगाल के फार्मर्स की हालत अच्छी है? यहाँ भी पैडी की क्रॉप्स है, पटाखे के हिसाब से इसके लिए MSP का कोई प्रोविजन नहीं है और फार्मर्स के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट पर से कोई कोशिश नहीं हो रही। इसलिए हमारा ये डिमांड है ममता बनर्जी से कि वो ममता शुड एक्सटेंड ऑल मैक्सिमम हेल्प एंड सपोर्ट द कंट्री। ये दूसरी डिमांड है हमारी। इसी बात हम ये कहते हैं कि इस बार पैंडमिक में, कोरोना ने देश की जो हेल्थ सिचुएशन और हेल्थ केयर की फैसिलिटीज है उसको, उसकी बड़ी प्रतिक्रिया तस्वीर खींची है हमारे देश में।